देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें कि सिर और पैर की संख्या दे देगा और कोई भी जानवर की संख्या पूछ लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा, जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है, यदि उनके सिरों को गिना जाए तो कुल 90 है, यानी कि दोनों के सिर को मिला दिया गया है, मतलब कि गिना गया है, तो कुल सिर कितने हैं 90 है, और पैर गिने जाए तो 224 है। तो पूछ रहा है कितने कबूतर व खरगोश है, तो पूछ रहा है कि कितने कबूतर और कितने खरगोश हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे कि जो दो जानवर दिए गए हैं उनके देख लेंगे पैर कितने होते हैं। तो यहाँ कबूतर दिया गया है और खरगोश दिया है, तो कबूतर के दो पैर होते हैं और खरगोश के चार पैर होते हैं। तो अब क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दोनों के जो है दो दो पैर हैं, यहाँ पर खरगोश के चार पैर है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि खरगोश के भी दो ही पैर हैं। तो अगर दोनों के दो दो पैर हैं और सिर की संख्या अगर 90 है, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, तो 90 × 2, यानी कि टोटल पैर होने चाहिए थे 180, लेकिन क्वेश्चन में टोटल पैर कितना दिया गया है 224। 224 पैर क्वेश्चन में दिया गया है, अगर हम दोनों के दो दो पैर मानते हैं तो कुल पैर कितना आता है 180। तो ये 224 और 180 इनका हम अंतर ले लेते हैं। तो ये हमारा जो अंतर आ रहा है 44 का, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर खरगोश के दो और एक्स्ट्रा पैर होते हैं, और यही जो दो एक्स्ट्रा है इसके चलते यहाँ पर हमारा 44 यानी कि 44 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो दो का वैल्यू हम 44 कर देंगे, 2 = 44, तो 1 = कितना हो जाएगा 22 है, यानी कि खरगोश की संख्या कितनी है 22, खरगोश की संख्या 22 है। तो यहाँ से हमारा कबूतर कितना आ जाएगा, तो 90 - 22 यानी कि 68। अब हम इसको करके भी देख सकते हैं, कबूतर का दो पैर होता है तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, खरगोश का चार पैर होता है तो इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 224। तो समझ गए, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं, आदमी है तो आदमी के कितने पैर होते हैं 2, घोड़े हैं, घोड़े के कितने पैर होते हैं 4, यदि कुल पैरों की संख्या 22 है, कुल पैरों की संख्या कितनी है 22 है, आदमी के दो पैर, घोड़े के चार पैर, मान लेते हैं कि दोनों के दो दो पैर हैं, दोनों के क्या है दो पैर, 4 को हम 2 + 2 लिख लेते हैं, दोनों के दो दो पैर हैं, कुल सिर कितने हैं 7 हैं। अगर कुल सिर 7 हैं और माना है कि दोनों के दो दो पैर हैं और कुल सिर 7 है, तो टोटल जो पैर होने चाहिए थे, कुल पैर अगर हम दोनों का दो दो मान लेते हैं, कुल पैर कितना हो जाएगा, कुल सिर कितने हैं 7, 7 × 2 कर देंगे तो हमारा 14 होना चाहिए था, अगर दोनों के हम दो दो पैर मान लें तो 14 होना चाहिए था, लेकिन हमारा पैर कितना दिया गया है 22, तो 22 में से हम 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये 8 क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये 8 हमारा क्यों ज़्यादा रहा है, क्योंकि घोड़े के जो दो एक्स्ट्रा पैर होते हैं, तो दो का वैल्यू ये दो एक्स्ट्रा होते हैं और यहाँ भी 8 एक्स्ट्रा है, तो 2 का वैल्यू 8 है हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी कि घोड़े की संख्या कितनी हो गई 4, तो आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए आदमी 3, 3 × 2 आदमी के पैर हो गए, और 4 × 4 ये हो गया घोड़ा का पैर, 3 × 2 कितना होता है 6, और 4 × 4 कितना होता है 16, 16 × 6 कितना होता है 22। तो यहाँ हमारा आदमी पूछ रहा था तो आदमी हमारे 3 हो जाएंगे, और घोड़ा पूछता तो घोड़ा 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए।